चलिए तो अवॉइड करेंगे, डेड कैट बाउंस हो सकता है इतनी बड़ी फॉल के बाद, अब हो सकता है थोड़ा सा ऊपर चला जाए ये स्टॉक और बाकी स्टॉक्स भी, क्योंकि वन साइड तो कुछ भी दरअसल ट्रेड होते नहीं है और आप देखिए एक एक बाउंस जरूर यहाँ पर देखने को आज के सत्र में मिल रहा है, लेकिन इसको बाउंस की तरह ही पढ़ना चाहिए। देखिए ट्रेडिंग के तो बहुत सारे मौके हमने आपको बताए हैं, लेकिन फंडामेंटल एक्सपर्ट्स, लॉन्ग टर्म वैल्यू ढूंढने वाले एक्सपर्ट्स आपको क्या राय दे रहे हैं, तो आपको ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। और ये राय सबसे अगर क्लियर कोई एक शख्स देता है, और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सुनील सुब्रमण्यम साहब, CEO सुंदरम म्यूचुअल फंड के। सर स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। ये बताइए क्या व्यू बन रहा है, कितनी दिन और इस तरह के मौके मिलेंगे, सेल कितने दिन तक चलने वाली है? सेल मेरे ख्याल में 6 महीने तक चल सकती है, क्योंकि दो चीज़ें इसमें, एक है डोमेस्टिक सेल जो इलेक्शन के कारण जी, और इंटरनेशनल के जो है रिकवरी के कारण, इकोनॉमिक रिकवरी के कारण मार्केट में एक्चुअली नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि दो तरह की चीज़ होते हैं, एक होती है कि एक रिस्क ऑन रिस्क ऑफ जो कहते हैं ना, जो उधर इकोनॉमिक रिकवरी आ गई तो लोग जब रिस्क ऑन करते हैं तो अपने ही देश में पैसा लगाने की उनको एक ये होती है, क्योंकि रिस्क फैक्टर जीरो होता है अपने देश में पैसा लगाना। तो जैसे आपको पता है 50% ऑफ FI फ्लोस अमेरिका से है, 25% यूरोप से और 25% जापान से। तो अगर उनके देश में ग्रोथ दिख रहा है तो वो क्यों बाहर डालें, क्योंकि एक रिस्क है बाहर जाने से, एक रिस्क करेंसी डिप्रिसिएशन का रिस्क, इन्फ्लेशन का रिस्क, इंटरेस्ट रेट का रिस्क बाहर जो है, तो उसके कारण ये ग्रोथ जैसे ही वापसी दिख रही है आप देखेंगे कि फ्लोस वापस अपने देश की ओर चली जाएंगे, तो नेचुरली बाहर के मार्केट में पैसा घटेगा। दूसरी चीज ये है कि जैसे ही वो ग्रोथ बढ़ता है तो वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ती है, क्योंकि एडवांस कंट्रीज में क्या होता है कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, सही है, ना ही उनके पास लोग है ना ही उनके पास रिसोर्सेस काफी है उनके ओन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है जब डिमांड बढ़ता है ना तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ती है। तो FII कंपोनेंट में 3 कंपोनेंट होते हैं, एक है लॉन्ग टर्म पैसा पेंशन फंड जो 10-20-30 साल के लगते हैं, दूसरी होती है ETF जो कि ऑर्डिनरी पीपल जो कह रहे हैं कि अच्छा मैं इंडिया में अभी इंडिया ETF में लगाऊं, निफ्टी ETF में लगाऊं, वो उनका। तीसरा होता है हेज फंड्स, ये हेज फंड्स का कंपोनेंट ऐसा हॉट मनी जो कहते हैं राइट, तेज दौड़ने वाले, वहां पे क्या है कि वो 20% अपना लगा, 20% लगाते हैं, 80% बैंक से बोरो करते हैं और नेट बोरिंग से वो लेवरेज प्ले करने की कोशिश करते हैं। जैसे वहां पे इवन 0.25% इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो समझो कि उनके 3-4% अधिक रिटर्न की जरूरत है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, सो नेचुरली एक रिकैलकुलेशन हो जाती है और उसके कारण पैसा इन मार्केट से निकलता है। सेकंड चीज जो इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं है इन टर्म्स ऑफ दिस इमर्जिंग मार्केट फ्लोस, जैसे ही वहां पे ग्रोथ की वापसी होती है कमोडिटी रिच इमर्जिंग कंट्रीज का ये बढ़ता है, हम तो कमोडिटी रिच इमर्जिंग कंट्री नहीं है, ब्राजील है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है, तो उनके मार्केट में कमोडिटी ओरिएंटेड स्टॉक्स जो लिस्टेड है वहां पे ज्यादा ध्यान चलेगा FIIs का। तो हमारे इसमें क्या होगा, खाली जो लॉन्ग टर्म FII प्ले है, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ रेट मजबूत है ये है, वो पैसा तो जरूर हमारे यहाँ पे आएगी, बट ये हॉट मनी और शॉर्ट टर्म जो एक शॉर्ट टर्म में रिटर्न चेस करती है और बोरोड मनी के ऊपर, वो थोड़ा वॉलेटाइली रहेगा, तो हमारे सेंसेक्स और टॉप 100 के क्षेत्र में आप देखेंगे वॉलेटिलिटी जारी रहेगी। और डोमेस्टिकली तो कहना ही नहीं है कि इलेक्शन की जो अनसर्टेनिटी, हर रोज एक न्यूज आता है कि किसका टाइप हुआ, इसका ये हुआ, क्या ओपिनियन पोल के, तो वॉलेटिलिटी इज हियर टू स्टे, मगर द सेम थॉट प्रोसेस जो मैंने अभी कहा ना उसके कारण ही अभी बेहतर टाइम है अपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने। 6 महीने की बात करें लेकिन पॉलिटिकल रिस्क के हिसाब से देखिए तो 2019 के इलेक्शन तक है, बहुत ही बिजी शेड्यूल रहेगा। पहले इस साल के बीच में आपको कर्नाटक में इलेक्शन दिखेगा, साल के आखिर में मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे बड़े स्टेट्स में इलेक्शन दिखेगा, और फिर अगले साल फाइनल इलेक्शन, तो फिर तो ये सेल साल भर खिंच जाएगी। नहीं, मगर अगर ये इलेक्शन रिजल्ट सही निकले तो फिर 19 की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल में पहले 6 महीने में ये पता लग जाए कि 19 का कितना सर्टेंटी है, अगर यहां पे ठीक नहीं हुआ तो जो उस चीज आप कह रहे हैं कि अनसर्टेंटी अब और 6 महीने के लिए, और अगर समझे कि ये इलेक्शन ठीक चला राइट, तो फिर वो शांत हो जाएगी ना। तो मेरे ख्याल में एक पहले एक 6 मंथ का व्यू ले ले, उसके बाद जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट्स आ जाते हैं उसके बाद एक अगला 6 मंथ का व्यू बनाएंगे, ये बेहतर होगा। ऐसे नहीं सोचना है कि 12 महीने 18 महीने के लिए ये वॉलेटिलिटी रहेगी। तो सर फिर ऐसे अनिश्चितता वाले जो 6 महीने हैं
उसमें आप जैसे फंड मैनेजर्स क्या करेंगे, ये है सवाल जिसका जवाब हमें चाहिए। और मैं कल देख रहा था कुछ आंकड़े, TCS की ब्लॉक डील के आंकड़े, जिसमें आप लोगों ने भी जमकर खरीदारी करी, FIIs ने भी जमकर खरीदारी करी। ये बताइए आपके फंड ने भी खरीदा था क्या, ये आप रेगुलेटरी बता सकते हैं इस समय? और बाकी जो व्यू है आपका IT सेक्टर पर, फिर बताइए IT सेक्टर अगर आपको शेयर 5-5% नीचे मिलते हैं तो क्या मौका है, खरीदना चाहिए, सेल में अच्छी कंपनियां खरीदनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए IT में इसलिए मैं स्टोरी जो मैं पूरा ख़त्म कर रहा था कि जैसे ही अमेरिका और यूरोप में ग्रोथ की वापसी दिखती है तो कमोडिटी वाले देशों को तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, मगर हमारे जैसे सर्विसेज वाले में भी एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा ना, तो नेचुरली आईटी सेक्टर के लिए यह आउटलुक, ये वर्ल्ड की ग्रोथ की रिवाइवल बहुत अच्छी खबर है आईटी कंपनियों के लिए। तो बिल्कुल ऐसे मौके जो मिलते हैं कि कुछ करेक्शन हो आईटी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में, आईटी एक बेहतर चीज है, बिकॉज इंडिया का एक्सपोर्ट क्रेडेंशियल उधर ऑलरेडी सर्टिफाइड है। अभी जाके हमें सर्टिफाई नहीं करना है कि इंडिया इज अ गुड आईटी सर्विस प्रोवाइडर। तो डेफिनेटली आईटी में जो करेक्शन मिलते हैं हम इकट्ठा करें, हमारी व्यू भी जो बैरिश थी अब न्यूट्रल की ओर आ गई है। आने वाले दिन में देखते हैं कि आउट परफॉर्मेंस की व्यू बनती है कि नहीं। तो तो वही मैं कह रहा था कि तो ये डोमेस्टिक प्ले में ये इंटरनेशनल ग्रोथ की वापसी हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर चीज है। और आपको स्टॉक मार्केट में बेसिक रूल है बाय लो सेल हाई, सही है। तो लो अभी वॉलेटिलिटी के कारण लो मिल रहा है, मगर फ्यूचर इकोनॉमी के कारण हाई जरूर होगा, राइट। और आपने पूछा कि फंड मैनेजर्स क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल में मैंने रिटेल इन्वेस्टर को SIP की सलाह दी थी, बिल्कुल दी थी। अब फंड मैनेजर्स SIP कर रहे हैं मार्केट में। अच्छा, ये वॉलेटिलिटी के कारण जो पैसा आ रहा है वो धीरे धीरे मार्केट में, जैसे ही उनको देखिए उनको पता है कि 3-5 साल में ये कंपनी की आउटलुक अच्छी है, तो उसको ट्रैक करते जा रहे हैं, ट्रैक करते, जैसे एक शेयर एक हेरनी को ट्रैक करता है, जैसे ही उसकी वीक मूड है जाके पकड़ने का है। तो फंड मैनेजर भी अभी क्या कर रहे हैं कि ज्यादा एक SIP, अभी देखिए थोड़ा सेलिंग भी हुआ है फंड मैनेजर का। इसका दो कारण है, एक है कि वो कह रहे हैं कि स्टॉक्स तो पता है, इकोनॉमिक आउटलुक पता है, करेक्शन के लिए वेट करें ना, करेक्शन तो आनी है बिकॉज वॉलेटिलिटी तो आनी है, तो वेट करके फिर मौका देखे वैल्यू प्राइस टू वैल्यू इक्वेशन में, जब भी वैल्यू अच्छी है मगर प्राइस कम होती है पकड़ने। शेयर हिरनी का एग्जांपल बहुत बढ़िया बताया सबने। तो जनरली मैं देखता हूँ सेल में क्या होता है कि पहले लगती है 10% के लिए सेल, फिर जब सेल थोड़ी लंबी चलती है तो 20% का डिस्काउंट मिलता है, 30% का मिलता है। तो ये बताइए आपको लगता क्या है, बाजार जो है ये कहाँ तक आ सकता है? 6 महीने का जो पेन है, या फिर आपके लिए तो खैर ये जो बाजार है ये सेल है, लेकिन मार्केट के कुछ ट्रेडर्स के लिए पेन है, तो यहाँ पर आपको लगता है कहाँ आके रुक जाएगा बाजार, नीचे में कहाँ तक मिल सकता है ताकि हमारे दर्शक उसको ट्रैक कर सके? मैं दो चीज कहूंगा कि ये जनरली मार्केट एक्सपर्ट्स की व्यू है कि वॉलेटिलिटी बैड है, बट एक्चुअल रियलिटी है कि वॉलेटिलिटी गुड है। क्योंकि वॉलेटिलिटी को लेकर आप क्या पूछ रहे हैं मुझे, क्या डाउनसाइड है? आपको वॉलेटिलिटी ये भी पूछना चाहिए कि क्या अपसाइड है, कि वॉलेटिलिटी माने दोनों तरफ ना उतार चढ़ाव, खाली गिरते वाले मार्केट को वॉलेटाइल नहीं करते हैं, वो डाउनवर्ड ट्रेंड मार्केट कहते हैं ना। वॉलेटाइल मार्केट में ऊपर चढ़ाव पे ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है, सर दोनों बताइए फिर। तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली 11,000 अपसाइड दिख सकती है, और बॉटम मेरे ख्याल में यहाँ से और 10% तक जा सकती है। 10% और, यानी यहाँ से अभी 1,000 पॉइंट की जगह और बाकी है, तो आपको बाकी वॉलेटिलिटी वही है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ वॉलेटिलिटी, सही है ना। जब आती है लेकिन ऑल टाइम हाईज भी पक्के हैं, हो सकता है ये भी चांस है, राइट। आप 11,000 की जब बात कर रहे हैं तो निफ्टी लगभग ऑल टाइम हाई हो गया 11,100 समथिंग, तो ऑल टाइम हाईज भी पक्के हैं। क्योंकि ये क्यों मैं बता रहा हूँ ना, ये एक आपको कॉन्ट्रा व्यू लगेगा ये, कि मैं क्यों बता रहा हूँ कि वॉलेटिलिटी के टाइम में क्या होता है ना, वॉल्यूम्स गिरते हैं, तो मार्केट को बढ़ाने के लिए ज्यादा कुछ ट्रेड की जरूरत नहीं होती है। एक छोटा खबर आए, सेंटिमेंट बदले, लो वॉल्यूम में इजिली मार्केट हाईस पकड़ सकती है। ओके, तो वो एक चीज याद रखना चाहिए जब मार्केट की बात कर रहे हैं वॉलेटिलिटी, तो दोनों तरफ आप देखें। इसलिए मैंने कहा कि फंड मैनेजर भी वॉलेटिलिटी का बेहतर कैसे SIP रूप, SIP माने सिस्टमैटिकली स्टॉक को खरीदते जाएं इन दिस पीरियड। तो इसको बीट करने का तरीका यह है कि आप SIP करें ताकि वॉलेटिलिटी में इवेंचुअली आपको फायदा ही मिले और आप मुनाफा कमाएं। चूंकि मिड कैप्स पे ज्यादा फोकस रहता है आपके फंड्स का, और एक मिड कैप का जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है शुगर, उसको काफी मार पड़ी है, अब थोड़ी कोशिश ट्रेडर्स यहाँ पे कर रहे हैं पोजीशन लेने की, क्या ये बात सही है, करना चाहिए? देखिए शुगर में क्या होता है कि ये एक कमोडिटी ऐसी है जिसके ऊपर बहुत से फैक्टर्स वे करते हैं। पहली है इंटरनेशनल सप्लाई डिमांड, दूसरी होती है ये MSP की थिंग, और तीसरी होती है मानसून का आउटलुक। तो शुगर एक बहुत वॉलेटाइल प्ले है, ज्यादातर हम रूरल सेक्टर में पॉजिटिव है, इसके कारण शुगर का भी हमारा एक्सपोजर है। मगर क्या है कि ये
इतनी वॉलेटाइल है तो उसमें उसको ध्यान में रख के इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है को देखो कमोडिटी स्पेस और नॉर्मल स्पेस में, क्या कमोडिटी में वैल्यू प्रोजेक्शन मुश्किल सी चीज़ है बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई ज़्यादा प्ले करता है। वेरस आप कुछ और भी चीज़ देखो, एक नीड को शुगर भी एक नीड को सेटिस्फाई करती है, मगर हम सेक्युलरली आप देखेंगे तो शुगर का नीड बढ़ते जा रहा है, डायबिटीज बढ़ते जा रहा है तो शुगर का नीड भी बढ़ते जा रहा है। मगर क्या है कि एक 3 साल के लिए ये प्रोजेक्शन ऐसा डिमांड बढ़ेगा, ऐसा बढ़ेगा, ऐसे कैपेसिटी आएगी, नॉर्मल कमोडिटी की प्ले में ये हम नहीं कर सकते हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम आसानी से प्ले कर सकते हैं। तो वैल्यू का प्ले शुगर में मेरे ख्याल में ये कंजम्पशन वाली प्ले है, रूरल कंजम्पशन वाली प्ले है। जैसे रूरल इनकम्स बढ़ते हैं तो पीपल की क्वालिटी ऑफ फूड जो बढ़ती है तो नेचुरली शुगर का हिस्सा होता है, तो टॉप लाइन ग्रोथ ऑफ शुगर विल बी गुड। आप खरीदेंगे क्या? हम स्टॉक स्पेसिफिक होंगे, सेक्टर को नहीं। ओके, अभी भी यानी कुछ स्टॉक आपको दिख रहे हैं जो क्वालिटी है, यानी आप पूरे सेक्टर पे पूरी तरह से बरिश नहीं, क्योंकि देखिए इतनी सप्लाई आ रही है तो अच्छी से अच्छी कंपनी को भी घाटा तो होना ही, क्योंकि इंडियन कंपनी हमें क्या बता रही है कि जिस दाम पे शुगर बिकने वाली है अभी भी बिक रही है वो हमारे कॉस्ट से भी नीचे है, तो हम जितना भी बेचेंगे उतना लॉस बढ़ेगा। एग्जैक्टली। अच्छा एक और सेक्टर जिस पे आपसे राय लेनी है, सीमेंट सेक्टर। अब आपका क्या नजरिया है? यहाँ पर खराब खबरें तो बहुत सारी आई हैं, लगभग हर ब्रोकरेज हाउस कह रहा है कि नितिन गडकरी साहब ने जो कहा है उससे वो चिंतित हैं, तो इस चिंता में क्या आपको मौके दिख रहे हैं सीमेंट सेक्टर में, या आप सीमेंट सेक्टर को इस समय अवॉइड करेंगे? और इस सेक्टर ने कुछ खास पैसा देखिए पिछले एक साल में तो बनाकर नहीं दिया है, ये बात तो पक्की है, ये सेक्टर आपको कैसा लगता है? हमें अच्छा लगता है सेक्टर, जो कॉन्ट्रा व्यू है मार्केट से, हमें ये सेक्टर अच्छा लगता है कि दो कारण, मैंने शुगर की बात करी ना, वेरस सीमेंट में हम एक इजीली डिमांड का प्रोजेक्शन कर सकते हैं अनलाइक शुगर। ओके, और सीमेंट में कैपेसिटी का प्रोजेक्शन भी आसानी से कर सकते हैं। तो सीमेंट का स्टोरी ऐसा है, बाई 2020 राइट एक्चुअली शॉर्टेज ऑफ सीमेंट होगी इन पॉकेट्स इन द कंट्री। ओके, सर्टन पॉकेट्स में सरप्लस होगी, सर्टन पॉकेट्स में जैसे साउथ में सरप्लस होगी, नॉर्थ और ईस्ट में डेफिसिट होगी। अब ये चीज़ ऐसी है कि शुगर सीमेंट 200 किलोमीटर के ज़्यादा दूर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। सही है। तो जितना भी सरप्लस साउथ में है वो नॉर्थ और ईस्ट का काम नहीं आएगा। तो ओवरऑल सेक्टर का प्ले क्या होता है कि पहले थी कि कंपनी एक साउथ बेस्ड कंपनी, नॉर्थ बेस्ड कंपनी ऐसे कर सकते, अभी क्या होता है कि मर्जर्स एंड एक्विजिशन के कारण एक साउथ बेस्ड कंपनी को भी जो ईस्ट में उसका प्लांट है तो एक डीप डाइव स्टडी करने की जरूरत है कि हर कंपनी की उनकी प्लांट एलोकेशन का है, खाली नाम से लेके अरे ये साउथ बेस्ड है या सरप्लस है यू कैन नॉट टेक अ कॉल। सो अवर व्यू इज कि जिन लोगों के पास कैपेसिटीज ईस्ट और नॉर्थ में है और अभी बना रहे हैं उनकी फ्यूचर आउटलुक अच्छी होगी, क्योंकि अल्टीमेटली हाउसिंग और रोड्स दोनों में सीमेंट का बहुत जबरदस्त उपाय हो रहा है, कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ रोड्स और अफोर्डेबल हाउसिंग की। तो सीमेंट का डिमांड बढ़ेगा, बट गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तो नॉर्थ एंड ईस्ट में है। हाउसिंग का हम नहीं कह सकते कि खाली ईस्ट वाले घर खरीदेंगे साउथ में नहीं। सही है। राइट, हाउसिंग इज ओवरऑल डिमांड सिचुएशन है। आपकी बात सुनकर कॉन्फिडेंस आ रहा है बाजार को। देखिए जब ऐसे फंड मैनेजर्स खरीदेंगे बैटिंग करेंगे तो मिड कैप इंडेक्स तो देखिए सबसे पहले लाल निशान से हरे निशान में आ गया है, एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। NBCC जैसे शेयर, बलरामपुर चीनी जैसे शेयर, IRB इंफ्रा जैसे स्टॉक्स, ये हैं 5 FNO के गेनर्स, वोटेस भी इसमें शामिल है। और आप देखिए डेज लो से थोड़ा सा सुधरता हुआ, तो मिड कैप इंडेक्स तो सर आज तो क्रेडिट आप ही को जाता है, आपने जो 15 मिनट जो बातचीत करी है वो तो मिड कैप शेयरों को देखिए ऊपर ले जा रही है। लेकिन तो जाते जाते आपके सवाल ये बताइए कि हमने कई सेक्टर्स की बात की, लेकिन टॉप 2 या 3 नाम जो आपके दिमाग में है कि अगर इस सेल का फायदा लेंगे तो ये सबसे पहले खरीदेंगे? कैपिटल गुड सप्लायर्स क्योंकि फेज ऐसी है कि अब तक गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर में EPC कॉन्ट्रैक्टर्स उन्होंने सप्लाई किया है, अब कंजम्पशन की जो स्ट्रॉन्ग नंबर्स आई है उसके कारण मैं कंजम्पशन पे बुलिश की बात नहीं कर रहा हूँ, यस 12 to 18 months कंजम्पशन थोड़ी चलेगी, मगर इसके कारण प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी क्रिएशन अभी और एक साल में बढ़ने वाली है, नए कैपेसिटी। तो कैपेसिटी क्रिएशन में किसका काम आएगा? कैपिटल गुड्स सप्लायर्स का काम आएगा। तो फर्स्ट फेज ऑफ द रिकवरी कैपिटल गुड्स सप्लायर्स की ऑर्डर बुक आप देखें ऑलरेडी बढ़ रही है, तो उस पर हम पकड़ेंगे तो अगले 3 साल में इसमें बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि NSE इंफ्रा इंडेक्स जिसमें ये शामिल है अभी भी करीबन एक प्राइस टू बुक, क्योंकि इंफ्रा में प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग प्राइस टू अर्निंग्स देख के बोलते हैं कि महंगी है, मगर क्या होता है कि डाउन साइकिल में जैसे इंफ्रा जैसे साइक्लिकल सेक्टर्स में डाउन साइड में क्या होता है कई कंपनी इंडेक्स के अंदर लॉस बनाते हैं, तो ओवरऑल इंडेक्स का EPS को नीचे गिराते हैं तो PE रेशो बहुत बढ़िया दिखता है एज इफ, बट रियलिटी देखें आप इट इज नॉट अ लॉस बिकॉज ऑफ द डाउन टर्न, ऑपरेटिंग लिवरेज इनकी हाई होती है। तो अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखें और निफ्टी की प्राइस बुक वैल्यू से कंपेयर करें आज भी निफ्टी
के माफिक एनएससी इंफ्रा का प्राइस टू इंडेक्स 30% डिस्काउंट पे चल रही है और पीक जो 2007-08 में थी 12% की प्रीमियम पे बिक रही थी। बिल्कुल, तो ये जो गैप है इसमें इंफ्रा में ज्यादा कैप गुड सप्लाईज पहला स्पीड पकड़ेंगे, तो मेरे ख्याल में बुलिश जो है हम वो है इंफ्रा सेक्टर की प्ले और उसके अंदर स्पेसिफिकली कैपिटल गुड सप्लाईज की। बिल्कुल, तो ये क्योंकि सरप्राइज एलिमेंट चाहिए पैसा बनने के, कंजम्पशन में सरप्राइज एलिमेंट नहीं रहा अभी, राइट तो मार्केट में पैसा बनने के वो एक होना चाहिए कि बिफोर मार्केट ब्रॉडली पकड़ता है ना। सही है, पिछले दो महीने से कैपिटल गुड्स का जो सब इंडेक्स है आईपी के अंदर वो 15% के आसपास बढ़ा भी है। बिल्कुल, और अगर आपको ये सब जद्दोजहद में नहीं पड़ना तो सुनील सुब्रमण्यम साहब के फंड में पैसा लगाइए, सुनील सुब्रमण्यम साहब आपका पैसा सही जगह लगाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सच्चिदानंद उत्तेकर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज दो सूचकांक जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं आपको बता दूं, पहला तो आईटी सेक्टर, जी हाँ ये डटा हुआ है और देखिए आज TCS का कोई ब्लॉक डील का हैंगओवर नहीं है तो ये इंडेक्स सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। और दूसरा सूचकांक का जो शो के दौरान अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है वो है मिड कैप इंडेक्स। चलिए इस नोट पर प्रदीप और मुझे दीजिए विदा, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ, हमारे साथ जुड़ेंगी प्रियंका संभव जो लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार का पूरा हाल। तो बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।